हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं उठ चुकी हूँ, अभी बजे हैं 6 और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए लेके आई हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। सुबह सुबह जो चिड़िया वगैरह की आवाज़ होती है वो बहुत अच्छी लगती है ना। कोयल भी बोल रही थी अभी। ये आ गई हूँ रूम में और अब करूँगी मैं मेरा वर्कआउट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्कआउट डन हो गया है और ब्रेकफास्ट भी डन हो गया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि शॉप पे जाने का टाइम हो गया है। 10 बजने वाली है। मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि मैंने आज तगड़ा वर्कआउट किया है। यानी कुल मिला के बहुत अच्छा हुआ, आज बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। अगर इसी तरीके से मैं करती रही तो बहुत जल्दी मैं फैट से फिट बन के दिखाऊँगी। कब होगा वो दिन, कब आएगा वो दिन। मैं नहा कर कंप्लीट रेडी हो गई हूँ और आज सुना है कि वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ पर ऋषभदेव, तो आज मैं और निपेश दोनों जने जाके वैक्सीनेशन करवा देंगे। तो आज होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है। हो जाएगा तो करवा देंगे। आज कुछ ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि अभी बज रही हैं 1:40 और अभी मैं मेरा लंच कर रही हूँ और आज हम लोग पापड़ बना रहे थे इसलिए थोड़े लेट हो गए, तो और वो मैं शूट नहीं कर पाई, सॉरी। आज लंच में बना है पिंडारू की सब्जी यानी अरवी की, और ये है लौकी की सब्जी, और यहाँ पे बनी है मिस्सी रोटी सैलेड और ये है छाछ। तो मैं मेरा लंच करके आपसे मिलती हूँ। जा रहे हम वैक्सीनेशन करवाने के लिए, तो चलो। हाँ तो चलो, तो चलो। कहाँ पे जाना है? हाई स्कूल जाना। हाई स्कूल तो इधर है ना? हाँ इधर जाना पड़ेगा। अब ये आ गया है हमारा वैक्सीनेशन सेंटर। वैक्सीनेशन करवाने हम आ गए हैं। आई होप भीड़ ना मिले और हो जाए। पेश का हो रहा है वैक्सीनेशन। ठीक है, हाँ फर्स्ट वैक्सीनेशन हो गई है, फर्स्ट डोज आज लग गया और कुछ भी पता नहीं चला, एकदम सेफ है। तो अब जाएंगे घर पे और जल्दी से नहा लेंगे। ठीक है, अभी तक पता नहीं चल रहा है। अभी तक पता नहीं चल रहा है मुझे, हल्का हल्का सा सुई, वो सुई चुभी ऐसा भी नहीं। चीटी काट, चीटी काटती है ना, इतना दर्द था। सुई चुभी ऐसा भी नहीं लगा। निपेश अच्छे से सैनिटाइज कर रहे हैं, फोन में मुझे दिख ही नहीं रहा इसलिए मैं सही से शूट भी नहीं कर पा रही। मैं करूँ सैनिटाइज? मुझे कर दो। लो आज हमने वैक्सीन ले ली है और घर पे आए फिर नहाए, क्योंकि अब वहाँ पे अब कितने लोग आए अपन को क्या पता। सैनिटाइज भी कर लिया था पर तो भी ना लिया घर पे आके, और थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट किया, नींद तो आई नहीं, 2 घंटे ऐसा कुछ रेस्ट किया और हल्का हल्का हाथों में पेन है। कुछ भी हो जाता है, जैसे कि चक्कर आ रहे हैं, मुंह में कड़वा हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक। पेश को वैक्सीन लेनी ही नहीं है, यानी उनको इतना डर है लोगों की अफवाहों पर, उनको ज़्यादा विश्वास है। तो उनको मुझे एक घंटा उनको समझाने में लगा कि कुछ नहीं होता है, चलो मैं भी तो हूँ साथ में, जो होगा वो तुमको होगा, वो मुझे भी होने वाला है क्यों। तो फिर इसी वजह से वो मना कर रहे थे, फिर उनको मनाया, तो फाइनली हमने जाके वैक्सीन ली। कुछ भी दर्द नहीं होता है, एंड जब वैक्सीन लगती है तब तो कुछ भी दर्द नहीं, पिन भी चुभ रही ऐसा भी नहीं लगता है। चींटी ने काटा और हट गई हो तुरंत ऐसा लगता है। और वो लोग बोलते हैं कि तुम आधे घंटे तक कुछ भी पानी भी मत पीना और ऐसा करके थोड़ा बहुत कुछ बताते हैं,
कुछ खट्टा वट्टा भी मत खाना और थोड़ी देर, और हाथ को मसलना नहीं। तो वो मना बोला कि कुछ भी नहीं करना, टच भी नहीं करना है, बस हाथ को ढीला छोड़ दो और वैक्सीन लग जाएगी तुमको, और इसके बाद न उसको प्रेस करना है, कुछ भी नहीं। अभी तक तो हालत हमारी अच्छी है, फिर देखते हैं रात को क्या होता है। थोड़ा बहुत बुखार आएगा ऐसा सब बोल रहे हैं, पर बुखार जैसा कुछ नहीं था। पर मेरे भाई ने कुछ टाइम पहले वैक्सीन ली थी तो उसको थोड़ा सा हाथ दर्द हुआ था और रात को बुखार आया था। तो लेट्स सी रात को क्या होता है, अगर कुछ होता है तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। ले लेनी चाहिए वैक्सीन, ऐसी अफवाह पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सबको लग रही है, पूरे देश को लग रही है, तो ऐसा कुछ गलत तो होगा नहीं। पर हाँ, इसमें एक चीज़ जोरदार हुई है, निपेश को भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, यानी वैक्सीन के नाम पर मेरे को भूख बहुत लग रही है, ऐसा बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। यूँ करके फ्रूट्स खाया अभी कुछ, और खाना, अब खाना बनाने का टाइम हो गया तो मैं खाना वगैरह बना देती हूँ और खाना भी जल्दी से खा लेते हैं। थोड़ा सा दर्द जो हाथ का हो रहा है वो तो चलेगा, कोई बात नहीं, जो मसल्स का पेन होता है इस टाइप का ही है, थोड़ा सा, ज़्यादा माइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने, जैसे कि ब्रेड, फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि 3 दिन तक रहने वाला है अब लॉकडाउन। देखते हैं अगर कुछ खुला हुआ रहता है तो लेके आ जाते हैं। ब्रेड तो मिली नहीं, अब फ्रूट्स देखते हैं कौन कौन से मिलते हैं। अभी हो रहे हैं 7:30 और हम जैसे ही सब्जियां वगैरह जो भी मिले लेने गए, पर कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मिली एप्पल और ब्रेड भी नहीं मिली भी। तो यानी ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है वैक्सीनेशन का, पर थोड़े थोड़े जॉइंट से वो पेन हो रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत सुस्ती आ रही है। नींद तो नहीं आ रही है ज़्यादा, पर सुस्ती बहुत आ रही है। और कुछ होता है तो भी मैं बताऊँगी, लोगों की अफवाह पर विश्वास ना करें, वैक्सीनेशन है ज़रूर लें। इसी के साथ मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड, सिर्फ मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में।